Okay, Vite, now I'll share the screen and let us get started. I hope the Ma'am. screen is visible now. Yes, ma'am, it is visible, ma'am. Okay. All right, Vite. So first of all, we'll recall what a possessive noun is. A possessive noun is a noun that shows ownership or possession of things or qualities. ऐसे नाउन जो हमें किसी की ownership बताते हैं, possession बताते हैं किसी भी noun की. Right, so those are called the possessive nouns. इसमें हमने possessive case is the word that is given in your book. So let us see here, Adam's apostrophe. And if you remember, जब भी हमने possession बतानी है, तो हम उसके लिए apostrophe का sign use करते हैं. And apostrophe sign, as you can see in the picture again, in the hand of this boy, there is one comma sign. And ये जो comma का sign होता है, this is called the apostrophe sign also. And this is put at the top of the लाइन वेयर एवर वी आर राइटिंग वर्ड, जहां फिनिश होता है उसके टॉप पे लिखा जाता है. वेयर एज जो कॉमा लगाते हैं, दैट इज ऑलवेज पुट एट द. ऑलराइट, लेट अस सी, प्लीज हूज दिस, म्यूट योरसेल्फ, यूज, प्लीज लुक एट द स्क्रीन, यू हैव टू रीड साइड बाय साइड व्हेन आई एम रीडिंग, ओके, ओनली देन द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू. सो लुक हियर, यूज एन अपोस्ट्रोफे विद कॉन्ट्रैक्शंस. वी यूज अपोस्ट्रोफे फॉर डूइंग द कॉन्ट्रैक्शंस दैट वी हैड डन अर्लियर ऑल्सो. आई डू नॉट की जगह हम डोंट लगा देते हैं एंड देयर वी यूज एन अपोस्ट्रोफे साइन. ओके, नाउ लुक एट द अदर साइड, यूज एन अपोस्ट्रोफे टू शो पोजेशन, पोजेशन के लिए. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल दे हैव गिवन हियर, द कैट्स विस्कर्स, किसके विस्कर्स, कैट के विस्कर्स, राइट. सो किसके आंसर हम, मैंने आपको बोला था जब भी हमने पोजेशन चेक करनी है तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप से पुट करना है किसका. सो द आंसर इज कैट के, ठीक है. सो कैट के साथ हम क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफे. एंड नाउ बिकॉज कैट सिंगुलर है तो हम उसका अपोस्ट्रोफे के साथ एस भी लगाते हैं. सो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू ऑन द प्रीवियस, इन द प्रीवियस क्लास, कि जब भी हम सिंगुलर नाउन के बारे में बात करते हैं तो हम अपोस्ट्रोफे के साथ एस भी लगाते हैं साथ में, ठीक है. यहाँ कैट सिंगुलर है, सो वी हैव यूज्ड कैट्स, कैट एंड देन एन अपोस्ट्रोफे एंड देन एन देन अ एस. ओके, नाउ अब नीचे आएंगे, प्लीज एट द बॉटम ऑफ दिस पिक्चर यू कैन सी, यूज एन अपोस्ट्रोफे टू शो अ प्लूरल पोजेशन. प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन. सो अगर हमारा जो नाउन है वो प्लूरल नाउन है, यानी कि वन से ज्यादा है, तब हमने कैसे करना है. नाउ लुक हियर, टू चिल्ड्रंस हैट, दो बच्चों की है. चिल्ड्रन इज अ प्लूरल वर्ड. अब नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज कि चिल्ड्रन वर्ड प्लूरल है, लेकिन वो ऐसा प्लूरल नहीं है जिसके पीछे एस आ रहा है, ठीक है. सो अगर ऐसा वर्ड है हमारा जो प्लूरल तो है, लेकिन वो एस वाला प्लूरल नहीं है जिसमें एंड में एस आ रहा है, वो प्लूरल नहीं है. जैसे चिल्ड्रन वर्ड है, चिल्ड्रन प्लूरल है, बट इट इज नॉट एंडिंग विद द एस. सो वहां पे हम उसके साथ क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफे एंड एस दोनों ही लगाएंगे, राइट. इससे और क्लियर करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, नाउ लुक हियर, पजेसिव नाउन्स, यू कैन सी द पिक्चर्स हियर. यहाँ पे एक बॉय की पिक्चर है हु इज होल्डिंग अ काइट. सो काइट किसकी है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसकी है, काइट किसकी है, हमारा आंसर आया बॉय की है, ठीक है. सो बॉय के साथ क्या लगाएंगे हम, अपोस्ट्रोफे एस, ठीक है. नाउ बिकॉज बॉय इज सिंगुलर, बॉय सिंगुलर है तो हम उसके साथ अपोस्ट्रोफे भी लगाएंगे और साथ में एस भी लगाएंगे. सिमिलरली इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी अ गर्ल हु इज होल्डिंग टू बलून्स. अब यहाँ पे बलून्स किसके हैं, वॉट इज द आंसर फॉर दिस, गर्ल के हैं. वन गर्ल है, सिंगुलर है, सो अगेन हमने गर्ल के साथ अपोस्ट्रोफे भी लगाना है और एस भी लगाना है, बिकॉज यहाँ जो हमारा नाउन है गर्ल वो सिंगुलर है. सो हमारे आंसर्स हैं यहाँ पे द बॉयज काइट एंड द गर्ल्स बलून्स. बेटा बलून्स यहाँ प्लूरल है, लेकिन बलून्स के साथ अपोस्ट्रोफे नहीं लगाना है हमने, गर्ल के साथ लगाना है, क्योंकि किसके बलून्स हैं, क्वेश्चन का क्वेश्चन हमारा बनता है किसके बलून्स हैं, और उसका आंसर बनता है गर्ल के बलून्स हैं. सो गर्ल के साथ अपोस्ट्रोफे एस आएगा, और गर्ल सिंगुलर है सो अपोस्ट्रोफे भी आएगा और साथ में एस भी आएगा. नाउ लेट अस रीड व्हाट इज रिटन देयर. बेटर प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू रीड अलोंग विद मी. जब मैं पढ़ रही होती हूँ आपकी आईज भी साथ साथ रीड करनी चाहिए उसे. सो अ पजेसिव नाउन शोज हु और व्हाट हैज समथिंग, किस चीज के पास या किस नाउन के पास कोई चीज है. एड अ अपोस्ट्रोफे एस टू अ नाउन टू मेक इट पजेसिव.
अगर हम किसी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफे लगा देते हैं और साथ में एस लगा देते हैं तो वो कौन सा नाउन बन जाएगा? पजेसिव नाउन, राइट? ओके, लेट अस मूव फर्दर. इन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अगेन रीड इट. पजेसिव नाउन्स. पजेसिव नाउन्स शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन और समथिंग. पजेसिव नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो हम बताते हैं कि कोई चीज किसको बिलोंग करती है. ऑनरशिप इज यूजुअली शोन बाय अपोस्ट्रोफे एस. ऑनरशिप मींस पोजेशन दिखाई जाती है. कैसे दिखाई जाती है? साथ में अपोस्ट्रोफे एस लगा देते हैं तो वो क्या दिखाती है? उसकी पोजेशन दिखाती है. बेटे अगेन समबडी इज अनम्यूटेड. व्हाई डू यू टच योर स्क्रीन? यू आर नॉट सपोज्ड टू टच द स्क्रीन. ओके, नाउ लुक एट द बॉक्स. द डिश दैट बिलोंग्स टू द कैट. ऐसी डिश जो कैट को बिलोंग करती है, यानी कि वो किसकी डिश है? कैट की डिश है. तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? द कैट्स डिश. अब कैट सिंगुलर है तो अपोस्ट्रोफे भी आएगा और एस भी आएगा, राइट? नाउ लुक एट द नेक्स्ट बॉक्स. द हैट दैट बिलोंग्स टू सुजैना. बिलोंग्स टू सुजैना मतलब जो ऐसी हैट जो सुजैना की है, ठीक है? ये वन वे है लिखने का. दूसरा वे, अगर हमें कोई कहे कि इसको पजेसिव केस में लिखो, पजेसिव नाउन बना के लिखो, तब हमने वहां पे क्या लगाना है? अपोस्ट्रोफे एस लगाना है. सो हमारा आंसर आ जाएगा सुजैनाज हैट. सुजैना सिंगुलर है इसीलिए हम उसका अपोस्ट्रोफे भी लगाएंगे और साथ में एस भी लगाएंगे. सो द आंसर विल बी किसकी हैट? सुजैना की हैट. तो सुजैना के साथ हम क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफे भी लगाएंगे एंड एस भी लगाएंगे. इन दोनों में ही क्योंकि जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर है, हमने अपोस्ट्रोफे भी यूज किया और एस भी यूज किया, ठीक है? सो इतना आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब हमारे नाउन्स सिंगुलर होते हैं तब हम उनके साथ अपोस्ट्रोफे और एस दोनों यूज करते हैं, ठीक है? नाउ लुक हियर, लेट्स लर्न अबाउट पोजेशन सिंगुलर. अब अगेन हम अभी हम सिंगुलर को दोबारा से अच्छे से रिवाइज करेंगे. मौलिक, कैन यू सिट डाउन एट वन प्लेस प्लीज? Why your camera is moving, bete, continuously? Yes. When we write about one person, please read again. Every time I read something from the screen, you also have to read side by side. Side by side. Aisha, whom are you talking to, bete? Please pay attention. Okay. When we write about one person, जब हम एक person के बारे में बात कर रहे हैं, one animal, one object. Object means thing. So किसी भी singular के बारे में बात कर रहे हैं, we add apostrophe s, तब हम उसके साथ क्या लगाएंगे? Apostrophe भी लगाएंगे और s भी लगाएंगे. Even if the word ends in s, अगर हमारा singular वाला word s से भी end हो रहा है, जैसे अगर मैं आपको suppose word देती हूँ s, a double s, s बोलते हैं हम donkey को, ठीक है? So अगर s के साथ हमने possession दिखानी है तो हम s के साथ apostrophe और s दोनों लगाएंगे, क्योंकि एस सिंगुलर है. सिंगुलर वर्ड चाहे एस से एंड हो चाहे एस से एंड ना हो, उसके साथ हमने अपोस्ट्रोफे और एस दोनों लगाने हैं. क्लियर है? नाउ लुक हियर एट द पिक्चर्स. द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी इज ऑफ अ चाइल्ड होल्डिंग अ पिज्जा इन हिज हैंड. सो द आंसर इज जेम्स पिज्जा. अब देखो जेम्स, जेम्स वर्ड जो है एक बॉय का नेम है और वो एस से एंड हो रहा है, बट उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब हमें पता है कि जेम्स सिंगुलर है तो हमने उसमें अपोस्ट्रोफे और एस दोनों लगाने हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट पिग. द पिग्स टेल. पिग अगेन इज सिंगुलर तो हमने उसके साथ क्या लगाया? पिग की टेल. किसकी टेल? पिग की टेल. सो पिग के साथ हमने क्या लगाना है? अपोस्ट्रोफे एस लगाना है. नेक्स्ट द रोबोट्स हेड. किसका हेड? रोबोट का हेड. रॉबर्ट अगेन सिंगुलर है तो अपोस्ट्रोफे और एस दोनों आएंगे. नेक्स्ट द बॉयज बॉल. क्वेश्चन पुट करो, किसकी बॉल? बॉय की बॉल. तो हमने अपोस्ट्रोफे किसका लगाना है? बॉय के साथ लगाना है एंड बॉय सिंगुलर है इसलिए हम वहां पे अपोस्ट्रोफे और एस दोनों लगाएंगे. नेक्स्ट द ऑक्टोपस. द ऑक्टोपस लेग्स. अब अगेन ऑक्टोपस सिंगुलर है, सिंगुलर है. वन ऑक्टोपस के बारे में हम बात कर रहे हैं. किसकी लेग्स? ऑक्टोपस की लेग्स. वन ऑक्टोपस की लेग्स. सो ऑक्टोपस वर्ड एस से एंड हो रहा है बट उसको हमने एस को नहीं देखना, विल जस्ट एड अपोस्ट्रोफे टू इट क्योंकि वो सिंगुलर है, राइट? एंड द लास्ट इज ओलिविया'स येलो हैट. किसकी येलो हैट? ओलिविया की, ठीक है? सो इसका मतलब हमारा अपोस्ट्रोफे किसके साथ लगना है?
सॉरी अलिविया के साथ लगना है. सो आवर आंसर विल बी अलिवियाज, अलिविया एंड देन अपोस्ट्रोफी एंड देन एस, अलिवियाज येलो हैट. राइट, सो ये सारे ऐसे केसेस थे जिनमें हमारा नाउन जो था वो सिंगुलर था, चाहे वो एस से एंड और हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमने सिंगुलर के साथ हमेशा अपोस्ट्रोफी एंड एस दोनों लगाने हैं. ओके, नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन. नाउ दिस इज काइंड ऑफ अ क्वेश्चनेयर, आपको ध्यान से रीड करना है और आपको फर्स्ट. मैम यस मैम, आई गॉट डिस्कनेक्टेड, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड. यस, आई थिंक आई नीड टू शेयर द स्क्रीन अगेन. Okay, now in this beta you have to see the question and you have to write down the answer in the chat box, right? Ma'am, your screen is not visible, ma'am. Okay. Ma'am, your screen is not visible. Okay, ma'am, I'll try again. Is it visible now? Deepika ma'am, yes ma'am. Okay, fine. Now beta, you have to I'll read the first question. Yes ma'am, yes ma'am. Okay, so I'll read the question for you. You have to give me the answer in the chat box. Please mute yourself, beta, mute yourself. Okay, so the first one is, what is the possessive form of singular person? Agar person hai to uska what would be the possessive? There, you have been given four options here. Option A, B, C, or D. Please read carefully. Options read karenge and then tell me the answer. Just write down the number of the option. Okay, I'm getting the answers for this. Everybody's writing first. Sorry, D. Yes, very nice. D is the correct answer for this. So the answer for this is persons, P-E-R-S-O-N apostrophe S. Okay, very good. Now look at the second one. The second one says, what is the possessive form of the singular noun child? Please wait for me to read. Okay, now it would be A, B, C, or D. Yes, very good. You are giving the answer. The answer is again A. Very nice. So it would be child's, singular hai, C-H-I-L-D apostrophe S, child's. Okay, stop writing. Let me read the third one. Let me read the third one first. What is the possessive form of the singular noun fish? Singular noun fish hai agar. So what would be the answer for that? Very good. C is the answer for that. Very nice. You people have written. It is F-I-S-H, fish, and then an apostrophe, and then S. Fishes. Okay, very nice. Last one. Stop writing and let me read the fourth one. The fourth one is, what is the possessive form of the singular noun boy? Boy. Yes, very good. The answer is boys, B-O-Y, and then apostrophe, and then S. Very good. So I hope this much is clear to you. Stop writing, bete. Stop writing. Let us move further now. Now we'll discuss some of the plural possessive nouns. Okay. So next hum karenge plural possessive nouns ka. Ma'am. Yes. Yes. Ma'am, just उन्होंने ये तो नहीं कहा आपको कि इसको प्लूरल करो. दे हैव जस्ट टोल्ड यू कि टेल द पजेसिव केस. प्लूरल नहीं करना आपको, सिर्फ पजेसिव केस बताने. यस Yes, Risha. Okay, let us move further. Now we'll talk about the plural possessive nouns. Ab hum un nouns ki baat karenge jo plural hai, more than one hai. Okay, so read the again. Please read side by side. When I'm also reading, you'll also read. So plural possessive nouns, a noun that shows more than one person. ऐसा नाउन जो वन से ज्यादा पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के बारे में बता रहा है और उसकी कोई चीज है. ठीक है, टू बॉयज की अगर हैट है तो मोर देन वन हो गया ना, टू बॉयज. सो इफ अ नाउन शोज मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग ओइंग समथिंग, ओइंग मीन्स होना, उसके पास कुछ है, पोजेसिंग समथिंग, देन वी यूज पोजेसिव, प्लूरल पोजेसिव नाउन फॉर दैट. नाउ प्लीज लुक एट द एग्जाम्पल्स वेरी केयरफुली. आप देखेंगे द फोर पपीज,
tails were wagging. Wagging होता है move करना, ठीक है? So यहाँ जो किसकी first question हमने put करना है किसकी tails? So the किसकी tails का answer है puppies की tails. Puppy नहीं है यहाँ, puppies है, plural है, ठीक है? So puppies की tails. इसका मतलब हमारा जो apostrophe लगना है, वो किसके साथ लगना है? Puppies के साथ लगना है. Now the next thing that you have to take care of is कि puppies जो word है, वो plural है. प्लूरल है ना, मोर देन वन है ना, पपी वन तो पपी होता है, पपीज है तो इसका मतलब वन से ज्यादा है. सेकंड थिंग, क्या इस प्लूरल की एंडिंग एस से हो रही है? यस, पपीज में एंड वाला लेटर जो आ रहा है, अल्फाबेट जो आ रहा है वो क्या है? एस है. सो अगर हमारा प्लूरल है नाउन, ठीक है, और वो प्लूरल कौन से वाला है जिसमें एंड में एस आ रहा है, वहां पे हमने अपोस्ट्रोफी अकेला लगाना है, उसके साथ दोबारा एस नहीं लगाना है. सो आवर आंसर विल बी द फोर पपीज टेल्स वर वैगिंग. पपीज के साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी आया. प्लीज चेक द आंसर. शुभांशु म्यूट योरसेल्फ. यस, सो यहाँ पपीज के साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी आया है, साथ में एस नहीं लगाना. और एग्जांपल देखते हैं. लुक एट द सेकंड सेंटेंस. द टू कार्स टायर्स वर फ्लैट. फ्लैट हो जाना मतलब पंक्चर हो जाना. So, दो किसके टायर्स फ्लैट हो गए? कार्स के. आंसर हमारा कार्स है, वन नहीं है, कार्स. एस प्लूरल आ रहा है. अब कार्स हमारा प्लूरल वर्ड है और ऐसा प्लूरल वर्ड है जिसके एंड में एस आ रहा है. ओके, सो यहाँ पे अगेन हम अपोस्ट्रोफी अकेला लगाएंगे, दोबारा एस नहीं लगाएंगे. सो आवर आंसर विल बी द टू कार्स टायर्स वर फ्लैट एंड इट वुड बी सी ए आर एस कार्स and then an apostrophe. S नहीं आएगा यहाँ पे. Last word, last sentence देखेंगे. All the children's faces were red. किसके faces red थे? Answer है children के. Children जो है singular है या plural है? It is plural. Singular, sorry, children क्या है? Plural है. So और उस plural के साथ क्या लगा हुआ है? S नहीं लगा हुआ. एस नहीं आ रहा ना, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है लेकिन वो एस वाला प्लूरल वर्ड नहीं है. तो ऐसा वर्ड जो प्लूरल तो है लेकिन उसके एंड में एस नहीं आ रहा, वहां पे हम क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे एंड एस भी लगाएंगे. सो यहाँ आ जाएगा ऑल द चिल्ड्रंस फेसेस वर रेड. सो प्लीज अब तीनों वर्ड एक साथ देखेंगे. पपीज, पपीज वर्ड प्लूरल है, उसमें एंड में एस आ रहा है तो हमने वहां पे अपोस्ट्रोफी के साथ एस नहीं लगाना, अकेला अपोस्ट्रोफी लगाना है. सेकेंड वर्ड है कार्स. कार्स वर्ड प्लूरल है और एस से एंड हो रहा है, उसके साथ भी हमने अपोस्ट्रोफी के साथ एस नहीं लगाना, अकेला अपोस्ट्रोफी लगाना. लास्ट वर्ड है हमारा चिल्ड्रन. चिल्ड्रन प्लूरल है लेकिन उसमें एस नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफी भी लगाना है और एस भी लगाना है. क्लियर? इज इट क्लियर? प्लीज शो मी योर थंब सो दैट आई कैन. शुभांशु, आई कैन सी यू ऑन द स्क्रीन. इज इट क्लियर शुभांशु? ओके फाइन. Let us move further quickly. Look here. Now again, you have been given on the left side, you have been given some singular nouns, and on the right side, you have been given some plural nouns. So first one, dekhenge dog's house. Dog singular hai. Kiska house hai? Dog ka. Dog singular hai. To humne kya lagana hai? Apostrophe and s, dono lagane hai. Books words. Kiske words? Book ke words. So book singular hai. So apostrophe s, dono aayega. Girls dolls. किसकी डॉल्स? गर्ल की डॉल्स. गर्ल सिंगुलर है, वन है तो अपोस्ट्रोफे और एस दोनों आएंगे. बर्ड्स चिक्स. किसके चिक्स? बर्ड के चिक्स. बर्ड सिंगुलर है तो अपोस्ट्रोफे और एस दोनों आएंगे. सो इस तरह से जितने भी आप यहाँ पे सिंगुलर देखेंगे सब में हमने अपोस्ट्रोफे और एस दोनों लगाए हैं. ओके, नाउ लुक एट द राइट हैंड साइड. इफ द नाउन एंड्स विद एस, अगर हमारा नाउन प्लूरल है और वो एस से एंड हो रहा है, लेट अस लुक एट द एग्जांपल. बॉयज बॉल. किसकी बॉल? बॉयज की बॉल, यानी कि वन से ज्यादा की, प्लूरल की है. ठीक है, प्लूरल की है तो वहां पे हम बॉयज के साथ सिर्फ बॉयज वर्ड जो है वो एस से एंड हो रहा है, सो हम यहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं दोबारा लगाएंगे. टेबल्स लेग्स. किसकी लेग्स? टेबल्स की लेग्स. टेबल्स वर्ड जो है प्लूरल है और उसके पीछे एस आ रहा है तो वहां पे हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, दोबारा एस नहीं लगाएंगे. थर्ड, गर्ल्स हैंड्स. किसके हैंड्स? गर्ल्स के हैंड्स. बहुत सारी गर्ल्स के हैंड्स. ठीक है, सो गर्ल्स प्लूरल है
और एस वाला प्लूरल है तो हम वहां पे अगेन सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगाएंगे, साथ में एस नहीं लगाएंगे. नाउ लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, वुमेन्स बैग. वुमेन जो वर्ड है वो प्लूरल है, लेकिन क्या वो प्लूरल एस से एंड हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा ना. सो वहां पे हम अपोस्ट्रोफे और एस दोनों लगाएंगे. चिल्ड्रंस डॉल्स, ये हमने अभी बहुत बार डिस्कस किया, चिल्ड्रंस वर्ड में एस नहीं आ रहा है, प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफे और एस दोनों लगाएंगे. लास्ट वर्ड देखेंगे, मेन्स शूज. मेन वर्ड, एम ई एन, मेन जो वर्ड होता है वो प्लूरल है, लेकिन एस वाला प्लूरल नहीं है, सो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफे और एस दोनों लगाएंगे. नाउ लुक एट दिस स्लाइड क्विकली. फर्स्ट वर्ड ऊपर टॉप पे रीड करेंगे, प्लूरल, डॉग का प्लूरल डॉग्स, ये सिंपल प्लूरल है. द डॉग्स लाइक टू ईट बोन्स, यहाँ पोजेशन नहीं दिखानी हमने, हम सिंपल बात कर रहे हैं कि जो डॉग्स होते हैं ना उनको बोन्स खानी बहुत पसंद होती है. सेकेंड नंबर पे आएंगे सिंगुलर पोजेसिव नाउन. अब हमने सिंगुलर वन डॉग के बारे में बात करनी है और पोजेशन की बात करनी है. द डॉग्स बोन इज इन हिज माउथ, डॉग की बोन उसके माउथ में है. सो डॉग के पास बोन है ना, सो यहाँ पे हमने डॉग के साथ क्या लगाया? अपोस्ट्रोफे और एस लगाया. थर्ड है डॉग्स, यानी कि अगेन प्लूरल है, सो यहाँ पे हम सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगाएंगे पोजेशन दिखाने के लिए. द डॉग्स बोन इज इन द मिडल, दो डॉग्स की बोन्स, सॉरी जो दो डॉग्स हैं उनके बीच में क्या पड़ी हुई है? बोन पड़ी हुई है. सो यहाँ प्लूरल था तो हमने अकेला अपोस्ट्रोफे यूज किया, साथ में एस यूज नहीं किया. नाउ क्विकली लुक एट द स्क्रीन अगेन. गर्ल वर्ड सिंगुलर है, गर्ल का हो जाता है गर्ल्स, अपोस्ट्रोफी एस. प्लूरल है अगर गर्ल्स वर्ड तो उसका गर्ल्स के साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी आया. प्लीज लुक एट द स्क्रीन, जल्दी से रीड करेंगे सारे स्क्रीन पे. काफ सिंगुलर है तो उसके साथ काफ्स, काफ के साथ अपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा. काव्स, सी ए एल वी ई एस, काव्स प्लूरल है तो उसके साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी आएगा. पोनी, पोनी सिंगुलर है तो उसका पोनीज, अपोस्ट्रोफी एस दोनों आया. लेकिन जब पोनीज बन गया, पी ओ एन आई ई एस, पोनीज मतलब प्लूरल, तो उसके साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी आएगा, फिर एस नहीं आएगा. चाइल्ड और चिल्ड्रन वाला हम बहुत बार कर चुके हैं. नेक्स्ट वर्ड करते हैं माउस. माउस वन होता है तो उसके साथ माउस के साथ अपोस्ट्रोफी एस आएगा, माउस. ठीक है, नेक्स्ट माइस प्लूरल हो जाता है, एम आई सी ई का मतलब वन से ज्यादा है, तो वहां पे अब देखो माइस वर्ड जो है वो एस से एंड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, एस से एंड प्लूरल है लेकिन एस से एंड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफे भी लगाएंगे और साथ में एस भी लगाएंगे. क्लियर हो गया ये सबको? हितेशी, नवदीप, आई कैन सी यू ऑन द स्क्रीन, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम. और फिश का प्लूरल क्या आएगा? फिशेस का. फिशेस वर्ड है, अगर वहां पे आपको फिशेस दिया होगा, एफ आई एस एच ई एस, तब आपने वहां पे सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगाना है. ठीक है, लेकिन अगर फिश वर्ड दिया, वेट अ मिनट, लेकिन अगर सिर्फ फिश वर्ड दिया होगा तो वहां पे अपोस्ट्रोफी एस दोनों आएगा. हाँ जी, यस, नाउ स्पीक बेटे. मैम गीज का क्या बनेगा? गीज, 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 ई आ रहा है ना गीज में एंड में, इज इट हैविंग एस? यजत, इज इट हैविंग एस इन द एंड? एस आ रहा है गीज के प्लूरल में? नहीं आ रहा. हाँ, देन वी विल पुट अपोस्ट्रोफी एंड एस बोथ. Now we have less than 1 minute, बेटे. I hope this is clear. In the next class again, हम book में से इस next class में book में से करेंगे chapter, right? So we don't have much time. Okay, quickly हम ये जल्दी से करते हैं. The dash workers went on the strike. You have been given 3 options here. जल्दी से 1, 2, 3 में से लिखेंगे answer. फटाफट, quickly, within a minute. Is it 1, 2, or 3? जल्दी से. 1, 2, 3 में से आंसर देना जल्दी, क्विकली. द डैश वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक. आई कांट सी एनी आंसर कमिंग. हरी अप, हरी अप, हरी अप, वी डोंट हैव टाइम. हैज नोबडी रिटन द आंसर हियर? आई कांट सी एक्चुअली एनी आंसर.